आप 9 सितंबर को पटना आने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस दिन आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर 9 सितंबर को सार्वजनिक परिवहन के वाहन नहीं चलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा को रूट में बांटकर कलर कोड और यूनिक कोड के जरिए परिचालन करने के फैसले के विरोध में चालकों ने एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर शहर के सभी रिक्शा और ई रिक्शा चालकों ने बैठक कर निर्णय लिया है। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। बिहार में एक बार फिर से ऑटो वालों का हड़ताल होने वाला है और इस बार ई रिक्शा चालक भी उनके साथ रहेंगे। कारण है रूट में अलग से पहचान देने की बात सरकार की तरफ से हो रही है, जिसका घाटा इन ऑटो वालों को भी होगा, क्योंकि जिस रूट में चलेंगे उसके अलावे किसी रूट में उन्हें चलने का अधिकार नहीं होगा। सरकारी तो गलत कर रहा है, सरकार बहुत गलत कर रहा है। टेम्पू वाला पर अत्याचार इतना कर रहा है कि जिसका कोई अच्छी नहीं है। सरकार यही सोच रहा है कि हम अपना मनमानी कर रहे हैं। बताइए, ये गलत बात है। सरकार के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सरकार के सबके एक नजर से देखना चाहिए। घाटा होगा नहीं, अब कहीं जाए नहीं करेगा, एक रूट में रहेगा तो कैसे होगा? दिक्कत है, अन्याय हो रहा है। सिवान क्या अन्याय की पुलिस तंग करवे करते हैं, जहाँ के पावा वहाँ गाली बक देंगे पुलिस। तहीं सु अगर रोड पर तहीं सु हल्का भी पैसेंजर लेने के लिए भी, तो पैसेंजर लेने की जगह ना पहले है। पार्किंग में कोई सुविधा नहीं है, कहीं भी पार्किंग में हर एक जगह पार्किंग है नहीं है, ड्राइवर के मार बैठे हैं। यही सब ड्रामा बहुत ज्यादा है प्रशासन का। गाड़ी खड़ा होता है तो फोटो खींचता है, अरे फोटो क्या खींचना, उतना पैसा वाला है टेम्पो वाला की फोटो खींचा, 10,000 का चलान कर दिया, 5,000 का चलान कर दिया, कैसे मेहनत से कमाता है टेम्पो वाला जानता है। हड़ताल पर जाने से सिस्टम बदलेगा, हड़ताल होगा बढ़िया से सिस्टम कैदा में रहेगा आदमी। 50 रुपया के लिए मुंह कान पर हाथ चला देता है। तय कर लिया गया है 9 सितंबर को ये हड़ताल जरूर होगी और उसे रोकने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब तक वार्ता सफल नहीं होगी तब तक यह लोग हड़ताल पर जाने से नहीं रुकेंगे। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा।